कोई भी जी राजनीतिक दल हो, जी चुनाव हम लोग पर 5 ईयर में, हर 5 साल बाद देखते हैं, और मतदाता मतदान करने भी निकलता है। मुद्दे वही रहते हैं कि गरीबी नहीं बढ़ने देंगे, महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। मुद्दे हर बार ही होते हैं, सरकारें बदलती हैं लेकिन स्थिति तो बदलती ही नहीं, जस की तस रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बस, ये क्यों? हाँ, दरअसल देखिए ये यही है। दरअसल होता क्या है कि वोटों की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद की जो अपना एक हमारे एक राजनीतिक पहल की जाती है, इतनी बात यह है। चाहे देखिए आप 1972 का हम जिक्र करते हैं तो इंदिरा जी ने एक अपना नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, इतनी बात की है ना। तो उसमें जो है उन्होंने वोटों की प्राप्ति करी है। उसके बाद जिस तरीके धीरे धीरे करके आंकड़े बढ़ते चले गए, उसके बाद जो देखिए उसका अपना इमरजेंसी आती है, उसके बाद फिर आगे का समय बदलता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो समय आता है उसका फिर और समय बदलता है, उसके बाद फिर अपना अटल जी का समय आता है। अटल जी एक वोट से हार जाते हैं, उसका दोबारा फिर आपका जो है जो जनता के सहानुभूति होती है तो दोबारा से उनको पूर्ण रूप से सत्ता में लाते हैं, इसलिए बात यह है। उसके बाद आप देखिए कि दोबारा अटल जी के हटने के बाद जो है जब अपना फील गुड का अपना मुद्दा आता है आडवाणी जी के द्वारा, तो जनता उनको नकारती है, इसलिए बात है फील गुड नहीं हो रहा था, इसलिए बात यह है। तो यहां पर क्या है देखिए अपना या योगेश जी, यही सब ये जो अपना राजनीति का जो खेल है वोटों की प्राप्ति का, एक्चुअली यही सब खेल है, इसलिए बात यह है। आज का जनमानस अगर हम जिस तरीके से यहां पर अपना बातचीत हो रही है, जिस तरीके आप ये को सुन रहा था, आज का जनमानस बहुत जागरूक है, बात है। अब उसको आप नहीं कह सकते हैं आज का जो 62% अपने युवाओं की बात अपने मोदी जी करते थे, आज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि युवा बेरोजगार है, इतनी बात यह है। 50% युवा बेरोजगार है, इस वक्त बात यह है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पीरियड में या अब उदारीकरण के बाद जो अपने लोगों की नौकरियां गई है, जो श्रम कानूनों में जिस तरीके से पूरा अपना भ्रष्टाचार अपना हुआ है, पूरा आपका जो है तो निवेश के मामले में, क्योंकि जो श्रम कानूनों में जो बदलाव हुआ है वो निवेश के कारण हुआ है। हमने जो निवेशक थे जो बाहरी देश थे उनके लिए हमने अपने अपने जो श्रम कानून सरल किए थे उनको, लेकिन लागू किसने किया? हमारे देशी अपने कंपनियों ने, अपनी बात यह है। उससे क्या हुआ कि जो बीआरएस का एक आज बैंकों का हाल देखिए आप। आज मैं मोदी जी की स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे बैंक आज बिल्कुल साफ, क्या बात है उनका जो है जवाब नहीं, अगली बात की है। तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था का आप उन बैंकों को देखिए आप, जहां जब बैंकों के अंदर जाते हो कि क्या हालत है, अगली बात की है। जिन बैंकों के अंदर 100 से 150 आदमी काम करता था, आज वो 10 आदमी वहां पर काम करता हुआ नहीं दिखाई देता, अगली बात की है। तो ये क्या है, अगली बात की है। तो यहां पर एक्चुअली ये नीति नियोजन का योगेश जी मामला है, और नीति नियोजन चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अपना भाजपा हो, चाहे वो अन्य दल हो, तो यहां पर इस चीज की सोच बहुत जरूरी है। जो आपने आज ये विषय रखा है, बहुत अपना जनहित पे जन सरोकारों के लिए आपने विषय रखा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। बिल्कुल।